गिरफ्तार में ललित, और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गिरफ्तार होंगे पुतिन, और मंगोलिया क्या उनको न्योता देकर फंस गया है? बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि वो वांटेड हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह पड़ोसी देश मंगोलिया की यात्रा पर जा रहे हैं। पुतिन को देश में आने का बुलावा देकर मंगोलिया इस वक्त बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC का सदस्य है। पिछले साल ही ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के बाद पुतिन की किसी ICC के सदस्य देश की ये पहली यात्रा होगी। ऐसे में मंगोलिया इस वक्त एक धर्म संकट की स्थिति में है। एक तरफ तो उसे रूस से दोस्ती निभानी है, वहीं दूसरी तरफ उसे हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत के मार्च 2023 के आदेश की तामील करवानी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बीते साल यूक्रेन के बच्चों को अवैध तरीके से रूसी नियंत्रित इलाके में निर्वासित करने का आरोप लगाते हुए अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे जो ICC का पूर्ण सदस्य है। अब 3 सितंबर को पुतिन मंगोलिया की यात्रा करेंगे। मंगोलिया में अरेस्ट होने के सवाल पर रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से लिखा गया है कि यात्रा को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है। यह भी कहा गया कि यह यात्रा मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख के निमंत्रण पर हो रही है। पेस्कोव ने कहा कि मंगोलिया के हमारे मित्रों के साथ हमारी शानदार बातचीत हुई है। अब नियम जान लीजिए। नियम के मुताबिक ICC के सदस्य देश उन संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए बाध्य हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। हालांकि ICC के पास अपने आदेश के अनुपालन के लिए कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मतलब पुलिस वाले नहीं है उसके पास। ये पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 में से किसी स्थायी देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन पिछले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट का हिस्सा बनने के लिए इसी डर से नहीं पहुंचे थे। मामले की शुरुआत हुई थी मार्च 2023 से, जब यूक्रेनी बच्चों को निर्वासित करने समेत युद्ध अपराधों वॉर क्राइम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बाकायदा गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है। ये भी कहा गया कि 24 फरवरी 2022 से जब रूस ने यूक्रेन में पूरी तरह से अपनी घुसपैठ शुरू कर दी थी, तब ये अपराध किए गए। हालांकि मॉस्को ने घुसपैठ और इस तरह के वॉर क्राइम के आरोपों को खारिज किया था। ICC ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि उनके पास ये मानने के लिए उचित आधार है कि उन्होंने सीधे तौर पर डायरेक्टली इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। साथ ही दूसरों की इसमें मदद भी की। अदालत ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे। मतलब वो कर सकते थे, रोक सकते थे, रोका नहीं। अब तब से एक बड़ा सवाल था कि क्या गिरफ्तारी होगी। बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लवोवा बेलोवा को भी ICC ने वांटेड करार दिया था। पुतिन और लवोवा बेलोवा के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के बावजूद ICC के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति होती नहीं है। वो सिर्फ उन देशों को के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करता है जिन्होंने अदालत की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खास बात तो यह है कि रूस ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। जब ये वारंट निकला था तब भी ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी, और आज जब ये खबर आई है कि मंगोलिया में गिरफ्तारी की जा सकती है, तब भी ये सबसे बड़ी खबर है। तो बड़ा सवाल कि क्या सलाखों के पीछे जाएंगे पुतिन। नमस्कार।